शॉट है। हेलो, तो आज हम करने वाले इंडिया और पाकिस्तान का मैच, जिसमें हमारे 6 मैचेस होंगे एक एक ओवर के, और उसके बाद हम सीखेंगे कंसेप्ट ऑफ ग्राफ्स। तो अब मैं आपको मिलवाती हूँ अपनी इंडिया की टीम से। तो ये है हमारी इंडिया की टीम। और ये है हमारी पाकिस्तानी टीम। ये हमारे एम्पायर रहेंगे पाकिस्तान की टीम से और इंडिया की टीम से, और ये हमारे दो कमेंटेटर रहेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की मैच की। तो देखते हैं किसकी होगी पहले बैटिंग और किसकी होगी फील्डिंग। तो टॉसिंग के लिए तैयार? तैयार। टॉस किया जाए। X is the cock and it's stealth. So what do you decide first? Batting. So is it batting? Why would you take the batting? Because I love batting first. You are bowling first, what is your reaction? My reaction, I am toss losing. So my situation is bowling and fielding are correct. तो तैयारी में लग गए हैं बैटिंग की। कैसा लग रहा है बॉयज? बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऐसा करके क्रिकेट ही खेल रहे हैं हम लोग, मतलब स्कूल में पहली बार, अभी क्लास के टाइम। अपने क्लास के साथ। ओके, सो हु विल वन अकॉर्डिंग टू यू, इंडिया एंड इंडिया और पाकिस्तान? इंडिया। सो लेट्स सी। और ये हमारी पाकिस्तानी टीम की पूरी प्लानिंग चल रही है कि कैसे गेम को जीता जाए। सो बॉयज, व्हाट इज योर प्लान नाउ? Trying to win? Yes, only trying? Yes, ma'am. Okay, let's see who will win this game then. So, ये हमारे commentators, देखते हैं कि इनका क्या कहना है। This match is for batting conditions. I think the batter will create the higher target for the bowlers. So, देखते हैं क्या होता है। और बॉलर्स की टीम थोड़ी कमज़ोर लग रही है, इसलिए बैटर्स थोड़े अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो आप देख सकते हैं कि गेम की पूरी प्लानिंग हो चुकी है और क्रिकेटर ने अपनी जगह भी ले ली है। हियर इज द फर्स्ट बॉल ऑफ द मैच वाज प्लेड, द दिवाकर इज द बॉलर। दिस इज द स्टार्ट ऑफ द मैच वाज टेकन बाय पीयूष। दिस इज द फोर्थ बॉल, इट्स अनदर फुल टॉस वन, आयुष द फील्डर। He takes one run. I think this is a low ball. The fifth one and is gone for the leg side. And he takes one more. Chauthi ball over ki aur ye full toss. Char runo ke liye. Shandar chauka. Darshakon mein roman. Saaf saaf dikh raha hai. भारतीय टीम का रोमांच। दिस इज द सेकंड इनिंग, ही टेक्स इंडियन टीम स्कोर वाज 8 रन एंड द टारगेट इज फॉर 9। 9 रन टारगेट, लेट्स सी पाकिस्तान टीम इज प्लेइंग। हियर इज द सेकंड बॉल ऑफ द ओवर and it's on a bounce. Third ball gone in the leg side for one runs. Here is try for 2 and a good throw, but the over and a good wide ball. This is, let's see what is the umpire takes the decision. Pakistan team needs 7 run in 3 balls. Here is the fourth ball of the over. यहाँ पे एक बॉल में 5 रन, काफी प्रेशर में मैच। क्या देखते हैं दिवाकर 6 या फिर 4 लगा पाते हैं। 4 लगता है तो मैच ड्रॉ हो जाएगा या फिर ये मैच इंडियन टीम आसानी से जीत जाएगी। आखिरी बॉल, यहाँ पे
और ये डाला फुल टॉस और ये शॉट, दिस इज द शॉट, गॉट द पॉइंट, मैच नॉट ड्रॉन, दिस मैच इज ड्रॉन. अब बारी है गर्ल्स की, फर्स्ट मैच ओवर, अब सेकंड मैच खेलेंगी गर्ल्स. तो फर्स्ट मैच तो हो गया है हमारा ड्रॉ, देखते हैं कमेंटेटर्स का क्या कहना है इस बात पे. पहला मैच काफी रोमांचक रहा, आखिरी में दीवार लगभग लगभग जीत थी क्योंकि वो लगभग लगभग हार गए थे. आखिरी बॉल पे जो दिवाकर ने फोर मारा जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम इस मैच को ड्रॉ कर पाई. ये देखो हमारी ऑडियंस का, तो क्या लगता है कौन जीतेगा, पाकिस्तान इंडिया वाले, कौन लगता है कौन जीतेगा? दोनों ही टीमों में काफी रोमांच, इंडिया के समर्थकों की काफी भीड़ यहाँ दिखाई दे रही है और यहाँ पे तीसरे गेंद डालने जा रही है ज्योति. देखते हैं गर्ल्स का क्या कहना है इस मैच के लिए. इंडिया विल वन, यस. Here is the fourth ball of the match. चली गई. आखिरी गेंद ओवर की और ये शॉट यहाँ पे और यहाँ एक रन ले लिया गया है. दूसरे मैच में यहाँ इंडियन टीम ने बनाया है दो रन और इसके जवाब में पाकिस्तान टीम उतर रही है तीन रनों का पीछा करने के लिए और यहाँ पे तीन रन बनाने पाकिस्तान टीम को और ज्योति यहाँ पे आ चुकी है बैटिंग के लिए. एक ओवर का मैच चल रहा है तो देखते हैं ये छह बॉलों में पाकिस्तान की टीम कितने रन बनाती है. और ये पहली गेंद दूसरे इनिंग्स की, दूसरी गेंद और इसके शॉट मारा ज्योति ने, काफी बेहतरीन शॉट ज्योति दो रनों के लिए. पाकिस्तान टीम पूरे रोमा, एक रन और चाहिए टीम को. फोर बॉल एंड अ शॉट, वन शॉट, वन शॉट, बॉल बॉल दिख रहा है एंड इट्स गॉन फॉर अ सिक्स. This is the last ball of the match. Oh, and here's the dot. The ball, Gaurav ke dwara, Divakar khelte hue, aur ek miss hote hue. Wide. Ek aur wide. Janta ka utsaah. पाकिस्तानी टीम उत्साहित, भारत की टीम थोड़ी सी निराश हो चुकी है. प्रति बॉल और एक डॉट बॉल. और दिवाकर गौरव की अच्छी बॉलिंग और दिवाकर आउट होते हुए इतने अच्छे प्रदर्शन करने के बाद बॉल और छह रन की जरूरत और ये डॉट बॉल. पाकिस्तान छह रन से हारते हैं. तो तीन मैच के यहाँ पर स्कोर दिखाए जा रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के. और ये मैच की पहली बॉल सुमित्रा के द्वारा. और ये दूसरी बॉल, दो रन पूरी कंप्लीट करते हुए भारत के पहले दो रन, भारत के पहले दो रन होते हुए दर्शक संजू वापस आई थी. ये हमारा शुरू हो रहा है लास्ट मैच. Yeah.
यहाँ हमारा मैच खत्म हो चुका है। इंडियन टीम का स्कोर है 35 और पाकिस्तान टीम ने बनाया 32 और इंडियन टीम 3 रन से जीत चुकी है। और इसी का हम सीखेंगे कंसेप्ट ऑफ ग्राफ्स कंटिन्यूएशन में, तो बने रहिएगा एंडिंग तक। तो आप देख सकते हैं इंडिया टीम का उत्साह जीतने के बाद। ये इंडिया टीम कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है मैच जीतने के बाद? हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है और इसमें सिर्फ मेरी पूरी नहीं थी, इसमें मेरी पूरी टीम की जिम्मेदारी थी कि हमें इंडिया को जिताना है, तो हमारी पूरी टीम ने अच्छा सहयोग किया है हमारी टीम को, इसलिए इंडिया आज जीत पाई है। आपका इतना अच्छा प्रदर्शन था, इसका आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा अकेला प्रदर्शन नहीं था, मैं अपनी इंडिया टीम को जिताना चाहता था कैसे भी करके, तो मैंने अपना पूरा 100% दिया है इसमें। ये चलो पाकिस्तान की टीम से पूछते हैं उनका हाल। पाकिस्तानी टीम, आपका क्या कहना है? हमारा कहना है कि हमने अपने पूरे उत्साह से मैच खेला और बहुत मैं अपना बेस्ट दिया, 100% से खेला। हमने अपने नाम के लिए नहीं, अपने काम की तरफ से खेला और क्या बात वो बात अलग है, पर हमने अपना पूरा 100% दिया। कोई ना, अगली बार की। तो यहाँ पर मैंने साइड में लिख लिए हैं स्कोर्स, आप देख सकते हैं इस तरफ रन स्कोर्ड बाय आर टीम्स इंडिया एंड पाकिस्तान, और हमारे 6 मैचेस हुए थे 1 ओवर के, तो ये डेटा है मेरे पास। अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास ग्राफ पेपर होगा, उस ग्राफ पेपर पे आपको 2 एक्सेस बना लेनी है। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये हमारी, इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, और ये वर्टिकल जो लाइन आपको दिख रही है दिस इज वाई एक्सिस, इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। तो जो हमारी एक्स एक्सिस है उस पर हम शो करने वाले हैं मैचेस, 6 मैचेस के बारे में, एंड द वाई एक्सिस पे वी आर शोइंग द रन स्कोर्ड बाय आर टीम्स। तो पहले हम इंडिया का प्लॉटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 13 और 6 तक ही क्यों लिया है, क्योंकि आप देख सकते हैं मैक्सिमम रन जो है 13 है, तो मैंने 13 तक मार्किंग कर दी। आप अकॉर्डिंगली यू कैन मार्क डू द मार्किंग्स ओवर हियर, तो आप 14-15 तक भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। और यहाँ पर मैचेस जो है हमारे 6 थे, तो इसलिए मैंने यहाँ 6 ही लिया, आप ज्यादा भी ले सकते हैं, बट आपको मार्किंग 6 तक ही करनी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो इंडिया का आप फर्स्ट मैच का देखें तो इट्स रन 8, तो यहाँ पर हमें वही करना है। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट मैच में आप देख सकते हैं ये फर्स्ट मैच और इसके रन है 8, तो यहाँ ऊपर 8, फर्स्ट मैच 8 रन, ठीक है। देन सेकंड मैच 2 रन, सो पहले हम सिर्फ इंडिया टीम का करेंगे। ओके, सो सेकंड मैच ये हो गया और इसके रन है हमारे 2, तो यहाँ पर हो गया 2। तो पहले हम एक्स एक्सिस देखते हैं फिर हम वाई एक्सिस देखते हैं। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पे हमारा मैच है, तो इसलिए हम सेकेंड मैच देखा, और y एक्सिस पे हमारे रन है, तो इंडिया ने कितने रन बनाए उस मैच में। अब यहाँ x एक्सिस पे मैच 3 मतलब थर्ड मैच में इंडिया ने कितने रन बनाए, तो आप देख सकते हैं 13, तो थर्ड मैच ये रहा और इसके ऊपर हम ले जाएंगे 13 तक, यहाँ 13 तक मतलब थर्ड मैच में 13 रन। नाउ फोर्थ मैच 2 रन, सो फोर्थ मैच और 2 रन यहाँ पर हम कर देंगे मार्किंग, एंड देन फिफ्थ मैच 7 रन, so fifth match 7 runs here it could be, and then sixth match and 3 runs the last match and the runs are 3। तो हमने यहाँ पर ये इंडिया के प्लॉटिंग कर दिए हैं, अब हमें इसको कनेक्ट करना है, so we will just connect it। तो आपको पेंसिल से ये कनेक्ट करना है आपको। ओके, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट से थर्ड हो गया है, तो आपको भी ऐसी गलती नहीं करनी है। मैं इसको जल्दी से करेक्ट कर लेती हूँ, आई विल जस्ट करेक्ट इट। जस्ट अ सेकेंड, यू मे सी ये फर्स्ट मैच का पॉइंट था और ये सेकेंड मैच का है, ठीक है। सेकेंड के बाद थर्ड वाला, मतलब एक ऑर्डर में हमें ज्वाइन करना है, राइट। सो अब हम एक ऑर्डर में ही पूरा ज्वाइन करेंगे इसको, देन मैच 3 के बाद मैच 4, तो हमें यहाँ से यहाँ ज्वाइन करना है, मैच 4 के बाद मैच 5। तो आपको एक ऑर्डर में ज्वाइन करना है, ऐसे अपनी मर्जी से इधर उधर नहीं ज्वाइन करना, ठीक है। सो ये हमारा इंडिया का मैच का स्कोर हो गया है। अब हम देखेंगे पाकिस्तान का, जब इंडिया का पूरा आप ज्वाइनिंग कर देंगे, मीन्स फर्स्ट टीम की हमारी बात हो गई, अब आपको सेकेंड टीम पे मूव करना है, दोनों को एक साथ लेकर नहीं चलना, वरना मिस्टेक्स होने के काफी चांसेस होते हैं। तो अब हम फिर से देखेंगे पाकिस्तान का, तो अब आपको कंसिडर करना है, एक नए ग्राफ की तरह इसको मानना है, आपको समझना है कि जो आपने ये लाइन्स बनाई है वो नहीं है, आपको इमेजिनेशन में ये रखना है। अब हम एक नए तरीके से करेंगे, तो मैच 1 में पाकिस्तान का आप देख सकते हैं ग्रीन कलर में 8 ही है, तो हम फिर से हम ये मैच 1 में 8 मतलब यहीं पर ही हमारा पॉइंट आ जाएगा, राइट।
देन मैच टू फोर, 4 रन्स बाय पाकिस्तान. सो मैच टू में अब यहाँ टू के ऊपर तक हम जाएंगे या 4 तक, तो आप देख सकते हैं ये मैच टू और ये 4 रन्स. ठीक है, नाउ देन मैच थ्री एंड 8 रन्स. सो मैच थ्री एंड 8 रन्स आर हेयर. ओके, देन मैच फोर एंड 1 रन, मैच फोर एंड रन 1, सी हेयर, फोर्थ मैच एंड 1 रन. ओके, देन फिफ्थ मैच 8 रन्स, फिफ्थ मैच एंड 8 रन्स, हेयर इट वुड बी, देन सिक्स्थ मैच एंड 3 रन्स, सिक्स्थ मैच एंड 3 रन्स, सो हेयर इट वुड बी अगेन. नाउ नाउ वी विल मीट दीज लाइन्स, मीन्स वी विल मीट दीज पॉइंट्स एज वेल. तो हमारा जो है फर्स्ट मैच का 8 ही था वहीं पर ही, सेकेंड मैच हमारा यहाँ था. मैं इसको दूसरे कलर से मार्किंग कर देती हूँ जिससे कि आपको डिफ्रेंशिएट हो पाए. सो मैंने यहाँ पर आई विल टेक अ द शाइनिंग वन, ये भी नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा सा डार्क कलर ले लेते हैं. ओके, आई विल टेक अ ग्रीन वन, हाँ दिस वुड बी बेटर. ठीक है, तो ये ग्रीन वाला मेरा पाकिस्तान का है. ओके, तो यहाँ पर आपका मैच वन से मैच टू हो गया, मैच टू से मैच थ्री आप जाएंगे यहाँ पर. ठीक है, तो आपको लाइन बनानी है मैच टू से मैच थ्री, देन मैच थ्री से मैच फोर यहाँ पर. ठीक है, मैच थ्री से मैच फोर, मैच फोर से मैच फाइव, ये रहा. तो आपको अब सिर्फ पाकिस्तान वाले जो मार्किंग आपने की है वो देखनी है. एंड देन मैच फाइव से मैच सिक्स हमारा यहीं था. ठीक है, तो ये हमारी हमारी जो है ग्राफ बन चुका है. अब आप यहाँ देख सकते हैं जो ब्लैक कलर की हमारी लाइंस हैं वो हमारे शो कर रही है इंडिया के रन्स को, और जो ग्रीन कलर की मार्किंग है वो शो कर रही है पाकिस्तान के रन्स को. तो आपके क्वेश्चंस इस तरह से आ सकते हैं कि इस ग्राफ को देख के हमें बताइए कि इंडिया ने सेकेंड मैच में कितने रन बनाए. तो इंडिया की ब्लैक लाइन है सेकेंड मैच हीरा, तो ये आप इसके ऊपर ऐसे देखेंगे और ये यहाँ पर आ रहा है सेकंड मैच में इंडिया, मतलब ये कितने रन हो गए, 2 रन हो गए. इस तरह से आपको देखना है. इसी तरह से क्वेश्चन में आ सकता है कि थर्ड मैच में किसने ज्यादा रन बनाए, इंडिया ने या पाकिस्तान ने. तो आप इजीली इस ग्राफ को चेक करेंगे, थर्ड मैच ही रहा और यहाँ पर ये पाकिस्तान ने 8 बनाए और इंडिया ने बनाए 13. तो इजीली आप कह सकते हैं इंडिया ने बनाए ज्यादा. ओके, यहाँ पर इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं किस किस मैच में जो है दोनों टीम्स ने सेम रन बनाए, इस ग्राफ को देख के बताइए. तो आप ग्राफ में जहां पर भी दोनों के पॉइंट सेम है, देखिए यहाँ पर फर्स्ट मैच में दोनों का पॉइंट सेम है और सब देखो, मैच टू में 2 पॉइंट्स है, मैच थ्री में भी 2 पॉइंट्स है, मैच फोर में भी, फाइव में भी, सिक्स में फिर से एक ही है, मतलब दोनों ने सेम रन बनाए हैं. तो मतलब मैच वन में और मैच सिक्स में दोनों टीम्स ने सेम रन बनाया, आप इस ग्राफ को देख कैसे बता सकते हैं. अच्छा, क्वेश्चन आ सकता है कि किस टीम का ग्राफ जो है वो मोर स्टेडियर है, मतलब कि जिसमें कांस्टेंट ज्यादा है, मतलब ज्यादा वेरिएशन नहीं है, मतलब एकदम से 1, एकदम से 15, एकदम ऐसा ऐसा वेरिएशन नहीं है, मतलब स्टडी चल रहा है. तो आप यहाँ पर ग्राफ को देख के देख सकते हैं, इंडिया यहाँ थी, फिर एकदम नीचे आई, फिर एकदम से ऊपर उठ गई, फिर एकदम से नीचे गिर गई, राइट. तो इंडिया का काफी ज्यादा वेरिएशन हो रहा है, बट पाकिस्तान का अगर आप देखें तो यहाँ पर स्टेबिलिटी है, राइट, स्टेबिलिटी फिर भी नजर आ रही है कंपैरेटिवली इंडिया से. तो स्टडियर का अगर क्वेश्चन आए, मैं यहाँ पर स्पेलिंग लिख देती हूँ, व्हाट आई मीन टू से, अगर ये आए आपसे ये पूछा जाए तो इसका मतलब पाकिस्तान का ज्यादा स्टेडियर है, मतलब कि ज्यादा वेरिएशन नहीं है, मतलब ज्यादा वेरिएशन तो है बट ऐसा नहीं है कि एकदम से जीरो पे और एकदम से उठ गए, मतलब 100 पे पहुंच गए, तो ऐसा वेरिएशन नहीं है, मतलब फिर भी मिलता जुलता सा है. तो आप यहाँ दोनों ग्राफ को देख के आप देख सकते हैं. अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है आपके लिए कि किस टीम ने सबसे ज्यादा रन बनाए कौन से मैच में. तो हम यहाँ देख सकते हैं इस ग्राफ को देख के, यहाँ पर ही सबसे ज्यादा रन है, तो सबसे ज्यादा रन बनाए 13 किसने, इंडिया ने, क्योंकि ये ब्लैक लाइन जो है वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है. तो यहाँ पर ये सब था ग्राफ से रिलेटेड, मतलब आपको कैसे प्लॉटिंग करनी है. पहले एक टीम के बारे में करेंगे, सब कुछ लाइंस बना पॉइंट्स बना के लाइंस बना लेंगे, फिर उसको देखना ही नहीं है, फिर हमें दूसरी टीम का करना है और उसको दूसरे, आप डॉटेड लाइन यूज कर सकते हैं, पेंसिल कलर्स यूज कर सकते हैं फॉर रिप्रेजेंटिंग इट विद डिफरेंट कलर. तो ये हमारी प्लॉटिंग हो गई थी. अब मैं आपको यहाँ पर ग्राफ में इन दोनों चीजों के अलावा और क्या लिखना है जो इम्पोर्टेंट होता है. आपको ये एक्सिस तो बना दी, यहाँ पर हम रेज कंप्लीट करेंगे. इस रे का मतलब आप समझते हैं एंडलेस है, आप जितना लंबा बनाना चाहे बना सकते हैं. एंड जहाँ पर एक्स एक्सिस हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो लिखना है, वाई एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो लिखना है, और ग्राफ तो है ही. अब यहाँ पर हमारी दो लाइन्स हैं,
तो टीचर को या फिर हुसएवर विल सी द ग्राफ, उसको कैसे पता चलेगा कि ब्लैक लाइंस किसको रिप्रेजेंट कर रही है और ग्रीन किसको कर रही है? तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक छोटी सी टेबल बनानी होगी। मैं जल्दी से आपके लिए वो टेबल बना देती हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दो इम्पोर्टेंट टास्क विच वी हैव टू कंप्लीट इन ग्राफ। तो पहले मैं आपको रन्स और मैचेस मतलब वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस का बता ही चुकी थी, और मैंने आपको कहा था कि ब्लैक लाइन किसको रिप्रेजेंट करनी है। तो हमें यहाँ पर ऐसे लिखना है कि इंडिया जो है वो ब्लैक लाइन मतलब एक लाइन बना के दिखा देनी उस कलर की, और दूसरी जो टीम थी हमारी पाकिस्तान की ग्रीन लाइन मतलब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इधर हमें ये साइड में जरूर लिखना है कि कौन सा ग्राफ मतलब किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि वी आर टेकिंग टू ग्राफ्स ओवर हेयर। ओके, तो अब यहाँ पर आपको स्केल लिखना है, एक्स एक्सिस मतलब ये नीचे वाला, तो यहाँ पर हम मैचेस शो कर रहे हैं क्योंकि, और 1 यूनिट मतलब ये पूरा ये वाला पार्ट हमारा हो जाता है 1 यूनिट। तो यहाँ पर 1 यूनिट में देखो मैंने 1 2 3 4 5 6 नंबर ही लिए, मतलब 1 यूनिट मतलब 1। अगर यहाँ पर आप 2 4 6 8 10 ऐसे लेते तो 1 यूनिट में आपने 2 ले लिया, तो 1 यूनिट इक्वल्स टू 2 मैचेस हम ऐसे करते फिर, ठीक है? बट हमने 1 2 3 4 ही करा है तो इसलिए 1 यूनिट इक्वल्स टू 1, और यहाँ पर मैचेस हमने रिप्रेजेंट करे इसलिए मैच। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में भी ऐसे ही आपको रिप्रेजेंट करना है 1 यूनिट, ये वाला गैप जो है ये कितना हमने लिया, 1 ही लिया, देखो 1 2 3 4 फिर से। तो यहाँ पर आपको अकॉर्डिंगली नंबर्स देखने हैं, अगर आपका 2 4 6 8 जैसे मैंने पहले आपको बताया तो 2 2 का गैप हो जाता, तो यहाँ पर आपको 2 रन लिख देने थे, 1 यूनिट इक्वल्स टू 2 रन। तो जितना भी आप गैप लेंगे, सपोज आपने लिया 4 8 12 16 वाला गैप 4 4 का, तो 1 यूनिट इक्वल्स टू 4 रन। तो अकॉर्डिंगली हमने एक एक का ही गैप लिया इसलिए 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 रन। तो आपको दोनों एक्सिस का स्केल लिखना है और कौन सा ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मींस कौन सी लाइन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, वो एक्स एक्सिस पे क्या ले रहे हैं, वाई एक्सिस पे क्या ले रहे हैं, ये सब चीज होनी चाहिए। और दोनों ग्राफ के कलर डिफरेंट होने चाहिए सो दैट वी कैन डू द आइडेंटिफिकेशन। तो ये था आज की वीडियो के बारे में जो हमने स्पोर्ट्स बेस्ड पैडागॉजी से की थी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, हैव फन।